जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी की भर्ती आ गई है और एक बहुत बार लड़के फोन कर रहे हैं जो आर्मी में रह गए कि सर किस चीज की तैयारी करें, कैसे करें, रोज फोन करते रहते हैं। तो मैं सभी के लिए वीडियो डाल रहा हूं। पहले तो जो कॉन्स्टेबल फिट हुए उन सभी को बधाई हो, और अभी जो इनका पेपर होना आर्मी वालों का उनको भी बेस्ट ऑफ लक है। 11 तारीख नजदीक आ गई है, अपना काम खींच के रखें आप। अभी एसएससी जीडी के बारे में बता देता हूँ, अच्छी पोस्ट आई है और पिछले लड़कों के भी ज्वाइनिंग आने वाली है। मेडिकल उनके हो गए हैं, री मेडिकल वाले थोड़े बहुत बाकी हैं, उनका होते ही ज्वाइनिंग उनकी आ जाएगी। उसके बाद में आपके भी फॉर्म चालू होने वाले हैं, तो आप तैयारी कीजिए। तैयारी के अंदर इसमें मेजर ये रहता है कि आप मैथ रीजनिंग और हिंदी की तैयारी ज्यादा कीजिए। जीके का कोई मुंह नहीं है, कहां से भी आ सकता है। बहुत एक तरह का अच्छा भंडार है जीके का, उसके अंदर भी भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, करंट है, तो बहुत सारा जीके है। तो आप पहले जो प्रायोरिटी है वो मैथ रीजनिंग और साइंस बदलती नहीं है, वही रहेगी जो है पहले। जीके बदलता रहता है, आज कोई चोटी मान लो ऊंची है, थोड़ा बढ़ गई, कम हो गई, पहले ये थी, अब यह खोज हो गई नई, कोई आविष्कार या कुछ ऐसी चीजें, थोड़ी बहुत चीजें तो बदलती रहती है। तो आप अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। इसके साथ ही ये कहना चाहूंगा कि अगर नौकरी नहीं लगे ना, बहुत सारे लड़के क्या है कि यहाँ बैठे हैं सूरतगढ़ में कि हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और करते कुछ है नहीं, पार्टियां हो रही हैं बार बार, शिकायतें आ रही हैं बार बार, मेरे पास तो आ नहीं रहे हैं। घर वालों को कह रहे हैं कि हम सूरतगढ़ हैं, अकेडमी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास तो आ नहीं रहे। तो घर वालों को ये लग रहा है अकेडमी जा रहे होंगे ना, कोई उनके बारे में फोन करके पूछता है ये बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर लास्ट में नौकरी नहीं लगोगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे, और शादी के बाद में घर वाले बोल देंगे कि ये पानी की टंकी ना ये मेरी है, इससे पानी नहीं भरना, ये राशन कार्ड से नाम हटवा देंगे घर वाले आपका, और आपकी बहुत माड़ी हालत होने वाली है। तो जब तक ये दिन आए उससे पहले ही आप कामयाब हो जाओ, नौकरी लग जाओ, वरना ये चीजें आम खास होती है अपने गाँव में। और मैं परिवार में कई जगह मैंने देखा है कि बाद में शादी हो जाती है, बीवी की मम्मी के साथ नहीं बनती है, लड़की की पापा के साथ में नहीं बनती है, फिर अलग अलग शिकायतें आती है, फिर यही होता है घर वाले तंग आके बोलते कि मेरी टंकी से पानी नहीं भरने देंगे, तेरा झोंपड़ा बना ले, तेरा मकान बना ले। तो वो एक बार मौका सभी देते हैं अपने औलाद को अच्छा सुधरने का, अच्छा काम करने का। तो आप तैयारी कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए, झील का आके सिलेक्शन हो जाएगा। जीडी की तैयारी कीजिए, वरना बाद में एज निकल जाएगी, फिर बहुत दुख होगा। तो तैयारी कीजिए, मेरा यही मानना है। और आप लोग तो फ्री हो यार, हम जैसे जो लोग हैं काम कर रहे हैं, साथ में बच्चों की तैयारी करवा रहा हूँ, फिर भी तैयारी कर रहा हूँ, लगा पड़ा हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा कामयाब आदमी हूँ, सीख रहा हूँ। मेरे पास कोई लड़का तैयारी करने आता है, अगर वो पेपर पास करके आया तो उससे मैं 10 बार पूछता हूँ, भाई तूने पढ़ाई कैसे की, क्या पेपर किया, कौन सी किताबें पढ़ी। आर्मी की तैयारी करने वाला आता है उससे पूछता हूँ, तेरे नंबर कितने हैं, परसेंट कितने हैं तेरे, पढ़ाई कितनी देर करता रहा है, अभी कितने दिन हो गए तेरे को पढ़ाई नहीं की, ऐसे चीजें पूछता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। कोशिश है सभी लगे, आप भी तैयारी करो, यही कहना चाहूंगा मैं। बार बार फोन करना सर तैयारी क्या करूं, फिर आना है नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं अपने दोस्तों के पास आते हैं, दोस्त पहले बैठा है, उसने कुछ करना है नहीं, कमरे का किराया निकल नहीं रहा है, तो वो नए आने वाले लड़के को टारगेट करता है, वो बोलता है कि भाई मेरे को आना है, आ जा मेरे साथ रह लेना। आते ही बोलता है जी टंकी भरवा लिया, टंकी भरवा ले। अगले दिन बोलता है बिल आ गया, भर दे कमरे किराया, भर दे, पार्टी कर लेते हैं, आज ये तू ले पल मैं ले आऊंगा, ऐसे करके वो काम तमाम कर देता है। तो मैं लड़कों को यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप आओ। एसएससी जीडी का फिजिकल मैं करवाता हूँ, लेकिन कोचिंग मैं करवाता नहीं हूँ। तो कोचिंग के लिए आप कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। सूरतगढ़ में बहुत सारे लोग जीडी की और की कोचिंग करवाते हैं, मैं सिर्फ आर्मी की कोचिंग देता हूँ, फिजिकल मैं सारे करवाता हूँ। फिजिकल मैं अग्निवीर का, आर्मी, जीडी, जूडी, सब जितने भी फिजिकल सब करवाता हूँ, जो एसएससी है, राजस्थान पुलिस है, राजस्थान एसआई है, सबके फिजिकल एक नंबर करवाता हूँ, लेकिन कोचिंग सिर्फ आर्मी की करवाता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास संसाधन है वो सिर्फ आर्मी के लिए पर्याप्त है। तो आप आके अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, और दोस्तों के चक्करों में बिल्कुल मत आइए, आप बंदिश के अंदर रहिए। अगर आप कोई हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल वाले के घर वालों को लेके आओ, और हॉस्टल वाले से मिलवा दो कि मैं इस हॉस्टल के अंदर रह रहा हूँ। और घर वालों से भी गुजारिश है, जहाँ बच्चे को छोड़ते हो तो वहाँ बात करो कि लड़का कितने बजे कोचिंग से आता है, कितने बजे जाता है, गायब तो नहीं रहता। कई बार मैं जो घूम रहे हैं गाँव में, दो दो तीन तीन दिन पार्टियों में, शादियों में डांस कर रहे हैं, फिर कौन सी तैयारी हो रही है ये। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, आना चाहते हो तो बंदिश में रहना, कोचिंग में जिसमें भी जाते हो उनको जाके बोल दो मैं बहुत ही पुअर फैमिली से हूँ, मुझे तैयारी करनी है, आप मुझे मारे, दुत्कारें, कुछ भी करें, मेरा पेपर पास करें, तो आपको अच्छा तैयार कर दिया जाएगा। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बंदिश में रह रहे हैं, उनके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, और जो आवारा और खुले रह रहे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है। मैं जो 2 दिन डांट दिया, फटकार दिया, फिर वो दोबारा शक्ल नहीं दिखाई देती उनकी।
और कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैंने 2 साल पहले बोला था भाई ये तैयारी कर लो तुम्हारी एज है, उन्होंने तब तैयारी नहीं की, तब तो उनके दोस्त थोड़ा बहुत खर्चा पानी करते थे, उनके साथ वो रहते थे, अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो शाम को देखते हैं कि कमरे का किराया तो भर दिया, रोटी किसके रूम पे खाके आनी है, तो ऐसी स्थिति ना आए अपने अंदर। आप अपने आसपास तैयारी करने वाले बंदों का मूल्यांकन करें कि आपके साथ में कौन था, कामयाब हुआ है उसने क्या किया, जो ना कामयाब है वो किस गलती से रहा है, तो इस चीज को आप देखें और अपना मूल्यांकन करें आगे क्या करना है कैसे करना है। और कुछ ऐसे बैठे हैं अभी ठीक है 6 महीने और बैठे हैं फिर घर चले जाएंगे, तो बाद में फिर तुम्हारी वजह से जो तैयारी करने वाले हैं उनके घरवाले भी उनको मौका नहीं देंगे कि वो फलाने का लड़का है वो आ गया उसने कुछ किया नहीं उतने दिन वहां बैठा रहा आ गया, तो इस चीज को आप ध्यान रखें और अच्छी तैयारी करें। बाकी जो भी बात होती है शाम को ग्राउंड पे आके मिले मेरे से। जय हिंद जय भारत।